चार दिनों में आज पहली बार बारिश नहीं है और हमारे जो छतें हैं बंद है, नहीं तो लगातार बारिश और ऊपर से मॉइस्चर से भरी हुई ठंड। ना कपड़े सूख रहे हैं, अगर जूते गीले हो जाएं तो सूख भी नहीं रहे हैं। सूखने में टाइम हर चीज़ का। वहाँ जाना है, इधर से नहीं है, यहाँ से यू टर्न ने बताया, बीच में गली से घुसना पड़ेगा। यू टर्न। अब ऊटी में ठंडक तो ज़रूर है लेकिन देखने लायक जगह बहुत कम है, इसीलिए शायद लोग आए और चले गए। लेकिन मेरी जो एक कोशिश है कि यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनसे मिलूं और एक यहाँ लोकल नॉन है उनके थ्रू उनको मैंने संदेशा भेजा है, सो आई एम वेटिंग फॉर देयर रिटर्न। तो ये है यू टर्न। यहाँ का जो मकान है वो देखकर मुझे बहुत आनंदित महसूस हो रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ ज़्यादातर घरों के छतों में खपरेल लगे भाई। गवर्नमेंट म्यूज़ियम, आई डोंट नो किस चीज़ का म्यूज़ियम है ये। यहाँ एक छोटा सा ग्राउंड भी है, अच्छा लग रहा है। इतनी दूर आए और आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हॉलीडेज, आज ऑफ है, क्या फ़ायदा। एनी हाउ, फिर कभी मौका मिले ज़रूर आएंगे। ये पानी कभी मत पीना, इसमें नींबू भरा होता है, मैं तो कभी नहीं पीऊँगा। डिटॉक्स वाटर। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन थार ही ज़्यादा नज़र आ रही है। देखो ये भी थार है, सिल्वर कलर है, लेकिन पहले मुझे मार्शल भी नज़र आ रहे हैं। मैं देखाता हूँ, आजकल मार्शल नज़र नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ एलिफेंट रिसर्च प्रोजेक्ट का एक वहाँ आया था। लेकिन देखो ये है मार्शल, हाँ महिंद्रा का मार्शल। अब लगता है जो 5 डोर आएगा इसी कंसेप्ट पे होगा थोड़ा बहुत। वैसे कोई सब कंपनियाँ अपनी पिछली जनरेशन से कुछ ना कुछ चीज़ें पिक करती हैं और आगे नए मॉडल्स में चिपका देते हैं। ऐसा ही कुछ 5 डोर में मिलेगा जिसका नाम अब महिंद्रा थार रॉक्स रख दिया है, ROXX। वैसे रॉक्सर भी इनका एक मॉडल है महिंद्रा का, जो US में ज़्यादा है ऑफ रोडिंग के लिए। सिर्जन हमें ऊटी में ऐसा घुमा रहा है जैसे सिर्जन यहीं का लोकल है और जहाँ मर्जी हमें ले जाता है, रोज़ाना सुबह चलता और बस पहुँचा देता, पर यहाँ पहुँचे, यहाँ चलो, यहाँ चलो। ये अलग बात है कि उसके जेब में गूगल रहता है वो क्यों सिर्जन देखो अब बता दिए कि भाई नीचे मेन हाईवे है वहाँ पहुँचेंगे, ये पहले देख लेता है, इसके पास बहुत दिव्य चक्षु। क्यों ज्योतिष नहीं आप एक नेविगेटर हो, बहुत अच्छे नेविगेटर, ये बोल सकते हो। हाँ फिर बारिश शुरू हो चुकी है और छाता खुल गया हमारा भी। यहाँ देखो बाइक में पुलिस कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर रही है और यहाँ गाड़ी खड़ी है उसे हटाने के लिए वार्निंग दे रहा है और चेतावनी दे रहा है कि वो गाड़ी हटाए। ऐसे बाइक पर जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं पुलिस वाले काफ़ी है यहाँ, इसीलिए ट्रैफिक जो है यहाँ पर अभी तक जाम कहीं मिला ही नहीं हमें। कंटिन्यूस पेट्रोलिंग देखो अभी तक उसने चालान भी काट दिया है इस गाड़ी का,
क्योंकि वो हटा नहीं रहा जबकि गाड़ी वाला अंदर ही बैठा था। पुराना चर्च है, इसका आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत शिमला से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन शिमला का थोड़ा ऊंचा है, ये थोड़ा छोटा है। कैन वाले बेंच अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं, कहीं कहीं अब देखने को मिलता और अच्छा लगता है, चाहे वो जगह कोई भी हो। देखो सामने से टर्न होकर आ रही है मारुति 800, जो 1996 से पहले का मॉडल है, और सिर्फ यहीं पर देखने को मिल रहे हैं काफ़ी मारुति कार, और कमांडर तक यहाँ मुझे मिले, मार्शल देखने को मिले महिंद्रा के। अभी हम लोग यहाँ से घूम कर आ रहे हैं चर्च से। 1830 में बना है, 14 मंथ के अंदर इसे तैयार किया गया। सोचने वाली बात है, उस ज़माने में आज से 200 साल पहले इसे 14 मंथ में तैयार करना, कमाल है अंग्रेज़ों का भी यार। ये ऊटी का एक स्क्वायर है जहाँ इस वक्त हम लोग खड़े हैं, और इस साइड भी एक चर्च है, इधर भी लगभग 200 साल पुराना चर्च है, और इस साइड अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ हमारा डॉक्टर साहब की दुकान है, ये खुशबू डॉक्टर, क्या बात है, इन्होंने पता नहीं कहाँ से एमबीबीएस किया है, और ये क्या है आगे कहना मुश्किल है क्योंकि इसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता, अगर कोई इसे कर सकता है तो प्लीज़ ट्रांसलेट कर दें। लगभग पैदल तो पूरा ऊटी घूम लिया है। ये है आपका होटल मोनार्क, मनाली का मोनार्क गौतम आचो के नाम, यहाँ का मोनार्क मिथुन चक्रवर्ती के नाम, बस इतना सा फर्क है, कोई खास नहीं, दोनों वीआईपी आदमी है। अरे बाप रे, यहाँ तो हवा चली फिर बड़ी तेज, देखो हवा का डायरेक्शन हमें इनकी 12 से पता चलता है, बाकियों को हमें पता चलता है, यहाँ जब हवा तेज हो तो हम सीधे इनके बाल देख लेते हैं तो पता चलता है कि हवा की रफ्तार क्या है। इसमें लगभग 80 माइल्स की स्पीड है हवा की, और आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल की जानकारी मैं दोबारा दूंगा, देता रहूँगा आपको। देखो ये भी महिंद्रा कमांडर गया, यहाँ सब पुराने गाड़ियाँ यार। ये रास्ता जाता है होटल मोनार्क, जो कि अपने मिथुन दादा का होटल है, मिथुन चक्रवर्ती। मौका मिला तो ज़रूर देखूँगा, चाहे बाहर से ही सही, अंदर तो मैं जाऊँगा नहीं यार। ऊटी में ऐसा हर चीज़ पुरानी है, यहाँ RS 100 भी देखो, जगह जगह मुझे RS 100 भी मिल रहे हैं। एक अभी देखो सामने, अभी जस्ट यहाँ पहुँचा है, एक RS 100 आगे है देखो, उस साइड इधर है। मेरे इस जनरेशन का RS 100 देखा ही नहीं होगा, आपने ये वाला बाइक नहीं देखा सजन, ये वाला देखा मेरे पास ही ना, ये आजकल ये आइकॉनिक हो चुकी है। देखो आज टिपिकल साउथ इंडियन खाना है सजन, क्या मिलेगा पता नहीं, देखते हैं। बेचारा पत्ते में खाएगा आज, वो भी हाथ से। थाली है ये, हाथ से खाने का मज़ा आता है इसमें, पता आपको। मजा आ गया ना, ये होता है ट्रेडिशनल खाना, केले के पत्तों के ऊपर खाने का मजा कुछ और है। सीजन क्या है? लार्जर गारमेंट भाई, ये लार्जर गारमेंट, योर चॉइस, ये लार्जर गारमेंट, यहाँ सिर्फ स्वेटर स्वेटर है। यहाँ का ऑटो देखो जरा कितना बढ़िया है, उधर से आ रहा है उधर से आ रहा है देखा ये, हाउ मच